तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि हेक्टर का क्या सीन है एंड मुझे क्या पता चला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एंड हमारा 15,500 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई, कल जिन्होंने भी VCC नहीं देखा, सच बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि कल क्या ही मैचेस हुए थे। एंड खास करके ग्लोबल स्पोर्ट्स का जो कमबैक था एंड कापा का वो क्लच, सच में गूज़बम्प्स आ गए थे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो वाइटेलिटी है, उन्होंने ऑरम को एज ए BGMI कोच हायर कर लिया है। एंड अब जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर BGMI कोच हायर किया है तो BGMI की लाइनअप भी लेने वाले हैं। एंड इसके बाद मेसी से पूछा जा रहा था कि क्या टीम रॉक्स वाइटेलिटी को ज्वाइन करने वाली है, तो इसका इन्होंने रिप्लाई किया। एंड वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका रिप्लाई पता होगा कि रॉक्स वाइटेलिटी को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इस पर मेसी ने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। GXR नहीं, रॉक्स। एक छोटी सी हिंट तुम लोग को दे देता हूँ। सेल्स का नाम रॉक्स ने बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है। वो लोग कोई ऑर्ग ज्वाइन करने वाले हैं, अब ये मत पूछना कौन सा ऑर्ग वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। बस वो लोग कोई ऑर्ग ज्वाइन कर रहे हैं, बस वो लोग प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये लोग प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, लॉकर, रॉक्स और युवा, ये सब प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीज़ें फिक्स होगी वो वापस से एक नया ऑर्ग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वाइटलिटी मत बोलना, वाइटलिटी में वो नहीं जा रहे, टेंशन मत लो, वाइटलिटी में वो नहीं जा रहे। तुम्हें पता है वाइटलिटी में वो नहीं जा सकते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है उस चीज़ का, एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक मेन रीज़न है कि तो चलिए अब अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो थक भाई जब लाइव आए थे तो उन्होंने बात करी अपने अंडरडॉग्स टूर्नामेंट के बारे में एंड अपने कास्टिंग के बारे में भी उन्होंने बात करी। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई अंडरडॉग्स के लिए भी टूर्नामेंट करो अगले महीने का 26-27-28। आ रहा हूं गाइस, मैं भी टूर्नामेंट में आ रहा हूं, अंडरडॉग ही तो है। नहीं नहीं, अगले महीने इवन प्लेयर जीटी डीमोटिवेट होने वाले आपकी कास्टिंग देखकर। शोएब अहमद खान भाई, मैं कास्टिंग में जेन्युइन बातें बोलता हूं, अगर बंदा चोक करेगा मैं बोलूंगा चोक किया, ताकि बंदा फीडबैक ले, उनको रियलाइज होना चाहिए अपना वो सब नहीं है ब्रो, और सब अपने को अच्छा ही जानते हैं, कोई अपना सेटिंग में वो सब दिक्कत नहीं है। जब अप्रिशिएट करना होता दिल खोल के अप्रिशिएट करता हूँ, जब गलत बोलता हूँ तो गलत एकदम पे गलत बोलता हूँ। TSM अच्छा खेल रही होगी, टेबल टॉप में होगी, लेकिन जो मुझे उनके गेम प्ले से दिक्कत है मैं बोल दिया। तो चलिए अब अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो गॉडलाइक के प्लेयर्स इंडिया वापस आ चुके हैं एंड इसी के साथ साथ जोनाथन ने भी स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था रियल ग्राइंड स्टार्स। तो चलिए अब अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ओवेस जब लाइव आए थे तो उन्होंने बात करी फ्रेंकी के बारे में कि फ्रेंकी उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे एंड क्या फ्रेंकी लीव करने वाले। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बूट कैंप के बारे में बात करी, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल टारगेट हो रहे हो, टारगेट नहीं भाई क्या ही बोले, मतलब हर फाइट में ड्रॉप क्लैश ये वो चल ही रहा है, तो अभी देखते हैं, फिगर आउट करेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा, करते हैं। अब पहले तो और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है अभी, और वर्क का भी अगर एक बार अच्छे से फाइनलाइज हो जाएगा ना तो सही रहेगा। भाई वाई फ्रेंकी नॉट प्लेइंग आरिफ मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर 100 rupees विद शेयर, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। उसका रीज़न ये है कि हमको एक प्लेयर चाहिए जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। फ्रेंकी खेलेगा ड्रॉप क्लैश, हार रहे हो है प्रो, ऑल द बेस्ट। तहसीन सिद्दीकी भी यस ड्रॉप क्लैश हार रहे हैं, वो फिगर आउट करना है, वो गलतियाँ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो रही है। बूट कैंप इज नीडेड रोहित भाई, जब ही आएगा सही परफॉर्मेंस। यासिर असद सब हो जाएगा भाई, थोड़ा टाइम लग रहा है, सबर का फल मीठा होगा, थोड़ा देरी हो रही है मानता हूँ, बट थोड़े टाइम में सब सही हो जाएगा वो पूरी। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है हेक्टर के बारे में। तो मैं आपको पहले पूरा मैटर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि हमको पता है कि कुछ टाइम पहले ही जो ओमेगा, अक्षत एंड गॉबलिन है, यानी सोल के तीनों प्लेयर्स ने अपना नाम रिवील कर दिया था, लेकिन सिर्फ सोल प्लेयर 3 का नाम रिवील नहीं हुआ था। एंड अभी रिसेंट में सोल का परफॉर्मेंस बहुत ही अनइवन चल रहा है, मतलब वो एक टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे हैं, एक टूर्नामेंट में वो लास्ट पेज पर चल रहे हैं। तो मेजी ने इसी बारे में बात करी एंड उन्होंने अपना ओपिनियन दिया इस पूरे मैटर के ऊपर, एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यस हाँ मर गए, अरे भाई अपने ही इवेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग प्लेयर खिला रहे शायद, वही मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे 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 जहां तक उम्मीद है कि ये जो प्लेयर 3 है, देखो मैं ये जो अपनी स्ट्रीम करता हूँ ना, जो भी चीजें करता हूँ वहां पे मेरा अपना खुद का ओपिनियन होता है। अगर इतना ड्रास्टिक चेंज एक टीम के परफॉर्मेंस में तुम्हें देखने को मिलता है तो मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि क्या पता वो प्लेयर 3 दूसरा हो,
ये मेरा अपना मानना है, कहीं जाके स्पैम मत करने लगना कि प्लेयर तेरी दूसरा है, प्लेयर तेरी दूसरा है, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। एंड इसी के बाद थक भाई से पूछा गया कि क्या उनको पता है कि सोल प्लेयर 3 कौन है, तो इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक्षत, गॉब्लिन, ओमेगा और एक सीक्रेट प्लेयर, थक क्या आपको पता है थर्ड प्लेयर कौन है? थर्ड प्लेयर मुझे तो नहीं पता, देखो टू बी ऑनेस्ट इन दिनों मैं एकदम ध्यान नहीं देता, आई थिंक मॉर्टल इज द पर्सन हु कैन आंसर दिस, बट लेट्स लुक एट द सर्कल। एंड आपने अब देख ही लिया होगा कि पूरा मैटर क्या है, एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या पता चला है। तो जो हेक्टर है उनका डॉक्यूमेंटेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो हेक्टर है वो सोल में कन्फर्म है, एंड वो इस लाइनअप को नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो थग इन्विटेशन है उसके कुछ दिन बाद हमें हेक्टर की ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आगे मुझे कुछ और पता चलता है इस न्यूज़ के बारे में या कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए बगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो जो रयाद एंड मैडमैन है उन्होंने ज्वाइन कर लिया 8bit, एंड उसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो 420 से पूछा जा रहा था कि वो यूट्यूब पर स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे, एंड इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि उनका अभी टीम का सीन चल रहा है, एंड वो लोगों पर भी डेस्कटॉप ऑडियो म्यूट करके स्ट्रीम करते हैं। एंड इसके बारे में उन्होंने और जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीन इज एज ऑफ नाउ कि भाई समझ रहे हो कि अभी अपन लोको पे स्ट्रीम कर रहे हैं, एंड अभी अपन जब वॉइस नहीं दे पाएंगे आप लोगों को, ठीक है, जब अपन आप लोगों को आवाज़ नहीं दे पाएंगे गेम में, तो फिर फ़ायदा क्या यार, समझ रहे हो। अभी ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, फिर ये कौन है, फिर ये कौन है, ये जी फायर तो चलो किसी आईडी से कोई और खेल रहा है, बट हाँ मैं YouTube पे स्ट्रीम खुद करना चाहता हूँ, एंड फर्स्ट से आई प्रॉमिस यू गाइज दिस टाइम YouTube पे भी रेगुलर होंगे, लोको पे भी रेगुलर होंगे फॉर श्योर, क्योंकि भाई अपने को सिर्फ ग्राइंड करने का है, तो ग्राइंड दिखाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि मेरी टीम मुझे पता है रहेगी, एंड वी आर गोना प्ले। एंड चलिए बाकी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अमन जब लाइव आए थे तो उन्होंने बात करी थी सोल के परफॉर्मेंस के बारे में, एंड इसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेबल केट 1412 बब्लू, ये ओमेगा लोग सेफ खेलने में हक देते हैं, उसको होल्ड करना सिखाना होगा। फिर आज वही बात हो रहा था, थोड़ा सेफ खेलना सीखो अब, थोड़ा टीम के साथ कैसे सेफ रहना है, पहले एंड जोन तक बहुत फाइट का प्रैक्टिस हो गया, अब टाइम टू लर्न सम सर्वाइवल स्किल्स। अभी नया टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा टीम को संभलने में, कोचिंग ढीली पड़ रही है। डीलिंग क्या भाई, ऐसे क्या मैं क्या खेलना, मैं थोड़ी ना खेल रहा हूँ, खेलना तो उन्हीं को है, जितना मैं कर रहा हूँ वो इनफ है, उससे ज़्यादा प्रेशर वाला सीन है, मैं ज़बरदस्ती अपने टीम को प्रेशर नहीं दूंगा, नहीं मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, खेलना तो उन्हीं को ही है, इसमें क्या ही मतलब, ये तो गेम तो उन चारों को ही खेलना है, कोई हग मेन जो चीज़ है वो टाइम है सिर्फ, अभी के हमारे पास टाइम को मैच फाउंड फर्स्ट इवेंट है, और इतना जल्दी टीम बनी तो टाइम तो लगेगा संभलने में। तो चलिए आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारा 15,500 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।